हेलो एस कैसे हैं आप लोग आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में माय नेम इज सबजीत मिश्रा आई एम ए जी एजुकेटर आप देख रहे हैं हमारी क्लास जो कि आज हमारी बेस्ट है अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे मैंने आपसे बोला था कभी हमारी क्लास हो रही है अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आज हमारी क्लास हो रही है ठीक है तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का आई होप गाइस कि आप लोग प्रॉपर रिविजन कर रहे होंगे टॉपिक वाइज करेंट अवेयर हम कर रहे हैं यहाँ पे और हमारा ये ऑब्जेक्टिव है एक बार हमारा टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग फिर स्टैटिक जी भी करेंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन और मेरे क्वेश्चन आएंगे आपको उसके आंसर्स देने हैं लेकिन पहले गाइस हम बात करेंगे अन अकेडमी की तो आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट है अन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट आपका ट्वेंटी सेवन फरवरी को होने वाला है मॉर्निंग टैन एम पे जहाँ पर आपको कई सारे प्राइज जीतने का मौके मिलेंगे तो अगर आपको इसमें इनरोलमेंट लेना है आप ले लीजिए लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और इसमें इनरोल करने के लिए आपको हमारा कोड यूज करना पड़ेगा और जो हमारा कोड है गाइस उसका कोड का नाम है ए बी पी वन जीरो प्राइज आपको मिलने वाले हैं ठीक है दोस्तों इसके अलावा टॉप एजुकेटर्स टॉप बैचेस अगर हम बात करें अनअकैडमी की तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के बैचेस लाइव हो रहे हैं गाइस सिक्सटीन फरवरी से मतलब ये समझ लो आप कि हर वीक हर मंथ आपको थर्टी प्लस बैच लाइव मिलते हैं

अैडमी के आस्क राउंड पर जाइए और वहां पर अपने पिक को अपलोड कर दीजिए अन अकेडमी की तरफ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इसका ठीक है दोस्तों अन अकेडमी पर एडमिशन लेते टाइम पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं आजकल अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक प्लस और एक आइकॉनिक अगर आप आइकॉनिक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको फायदे क्या मिलते हैं आपको जो डाउट आप पूछते हो ना उसमें पहले आपको प्रेफरेंस मिलेगी और ड्यूरिंग द क्लास जो रेज द हैंड होता है उसमें पहले प्रेफरेंस आपको मिलती है तो आइकॉनिक फीचर से एडमिशन में क्या फायदा है देखो देखो दोस्तों अगर आपकी चौबीस महीने की फीस जो है वो आपकी बढ़ती है नौ हजार तीन सौ साठ रुपए दो साल के लिए आपको टेन तो परसेंट का बेनिफिट मिलेगा और अगर आप चाहें तो आप चाहें तो केवल प्लस में एडमिशन ले प्लस में आपकी चौबीस महीने की फीस की है वो है करीब छह और अगर हम सॉरी और अगर सात हजार आठ सौ रुपए और बारह महीने की फीस आपकी जो है वो है छह हजार पांच सौ रुपए ठीक है और कोड हमारा एवीपी वन जीरो फायदे और भी क्या देखिए राइट नाउ आपके लिए ऑफर चल रहा है अगर आप बैंक एग्जाम परचेस करते हो तो छ मंथ पे आपको एक मंथ का एक साल पर आपको तीन मंथ का और दो साल पर आपको छ मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है और यह स्कीम केवल फरवरी चौबीस बाईस तक है रात के बारह बजे तक है केवल तो ध्यान दीजिएगा

पहला क्वेश्चन आपके सामने तो आ चुका है और पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है आप यहां पढ़ सकते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग वन द वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अबाउट ट्वेंटी तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपसे है कि, कि किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता पहला क्वेश्चन हमारे सामने आंसर हमारा क्या होगा और अंजू भाभी जोर देंगे इसका आंसर भाई इसका आंसर है आपका थॉमसन हेरा ऑप्शन नंबर सी थॉमसन हेरा ऑप्शन नंबर सी दूसरा क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वन द वर्ल्ड एथलेटिक्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे विश्व एथलेटिक्स ऑफ मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ये आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन हमारा आंसर हमारा क्या होगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है और इसका आंसर क्या होगा होगा हमारा कास्टेन वारहोम ऑप्शन नंबर डी अच्छा अब ये दोनों लोग क्या है दोस्तों देखो यहाँ पे दोनों अगर हम बात करते हैं मैन ऑफ द ईयर अवार्ड की तो ये अवार्ड मिला है कास्टेन वारहोम को ये नॉर्वे के एथलीट है और ओलंपिक चैंपियन है ठीक है स्प्रिंटमैन हर्डल्समैन और अगर हम बात करते हैं थॉमसन हेरा की तो शी इज द फाइनेस्ट स्प्रिंटर फ्रॉम द जमैका और इन्होंने ओलंपिक 200 मीटर में और 200 100 मीटर में और 200 मीटर में इसका गोल्ड मेडल दिया था तो इसलिए इनको ये अवार्ड मिला ठीक है देख लीजिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड नरोजी पाइनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म ये बुक क्यों यहां पर आई है अच्छा रुको इस बुक पर अवार्ड दिया गया है देखो इस बुक के ऑथर कौन है दुनिया पटेल जी ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली एक्जेक्टली क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए था देखो यहां पर क्वेश्चन था कमला देवी कमला देवी चट्टोपाध्याय एन आई एफ बुक प्राइज कमला देवी चट्टोपाध्याय एन आई एफ बुक प्राइज ये प्राइस मिला है दुनिया पटेल को इस बार इनकी बुक के लिए बुक का नाम इनका है नरोजी पाइनियर ऑफ द इंडियन तो ये ये क्वेश्चन हमारा बनता ठीक है है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं हैं बात करते तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी हुआ सातवास स्वामीनाथन अवार्ड फॉर दर सेवनटीन टू नाइनटीन अवार्ड किसे मिला आंसर हमारा क्या होगा

किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया पांच ऑप्शन हमारे पास है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर बीस द राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हमारा सही आंसर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेम द इंडियन एथलीट हु हैज वन द वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर ग्रूमिंग टैलेंट एंड एनकरेजिंग यंग गर्ल्स इन इंडिया टू टेकअप स्पोर्ट्स एंड द फाइट फॉर जेंडर इक्वलिटी

तो इस क्वेश्चन पे आंसर हमारा हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर तमिलनाडु हमारा सही आंसर ठीक है तमिलनाडु आगे बढ़तेगा इस अच्छा ये अवार्ड किसने दिया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया आगे बढ़ते नेक्स्ट हु हैज बीन अवार्डेड द इंपैक्ट पर्सन ऑफ द ईयर ट्वेंटी अवार्ड तो किसको इसमें से किस व्यक्ति को इंपैक्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला बेसिकली ये एडवर्टाइजिंग मीडिया और मार्केटिंग के लिए मिलता है

सांस्कृत विरासत संरक्षण के लिए इस वर्ष के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में किस परियोजनाओं ने देश के लिए दो श्रेणियों में ख्याति अर्जित की है क्या तो इस क्वेश्चन पे हमारा आंसर हाँ निजामुद्दीन दिल्ली ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर तो बेसिकली निजामुद्दीन जो बस्ती है उसको रीडेवलप किया जा रहा है दो अवार्ड मिले

दोस्तों इस क्वेश्चन में आंसर की बात करें आंसर होगा बाईस ऑप्शन नंबर सी तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर तो मिसाइल वेसल स्क्वाडन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड का मिला है। तो ये है? आगे बढ़ते हैं इस बात करते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड, अवार्ड दिया गया इस बार का फिफ्टी सिक्स ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला होगा तो इस बार का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है जो वो मिला है नीलमनी फूकन जूनियर को ऑप्शन नंबर सी तो एक बात ध्यान दीजिएगा ये किस भाषा के हैं वो जाना जरूरी है देखिए अच्छा आगे मेंशन है हु अमंग द द फॉलोइंग हैज वन ज्ञानपीठ अवार्ड से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सिक्स मिला किसे नीलमनी फूकन को फिफ्टी सेवन किसान मिला तो इस बार का फिफ्टी सेवन ज्ञानपीठ अवार्ड जो है यह मिला है दामोदर मुंजो को ऑप्शन नंबर एक ठीक है देखिए तो नीलमणि फुकन जो है ये असम भाषा के पोएट हैं इन्हें फिफ्टी सिक्स ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है और वहीं कोनकनी भाषा के नॉवलिस्ट हैं दामोदर मोजो इनको मिला फिफ्टी ज्ञानपीठ अवार्ड तो आपसे इनकी भाषा पर क्वेश्चन बन सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हुन दंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलप द दे इंडियन गोएड मॉडल एंड कंपिटिशन सॉफ्टवेयर सिंपल भाषा में आपको बताना है यंग जियो साइंटिस्ट का अवार्ड किसको मिला है? What is the right और इस क्वेश्चन पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर रुपेश गोयल ऑप्शन नंबर बी रुपेश गोयल जी हैं आई कानपुर के हैं इन्हें यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया ठीक है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा लो अभिजीत जी बोल रही है वाह भाई नाम था क्या मेरा कहीं पर अभिजीत दोस्तों फॉलोइंग कलिंगा लिटरेरी वुमेन राइटर अवार्ड तो इनमें से किसे कलिंग साहित्य महिला लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया पांच ऑप्शन आपके पास है आंसर हमारा क्या होगा राइट आंसर right और इस क्वेश्चन की बात करें तो कलिंग साहित्य महिला लेखक पुरस्कार ये मिला इस बार दिव्य को ऑप्शन तो आगे बढ़ते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की इस बार कािटरेरी फेस्टिवल जो था ये आठवां एडिशन था आठवा एडिशन नेक्स्ट प्वाइट हुई सेंचुरी आईकॉन अवॉर्ड इन दिसंबर इक्कीसवीं सदी के चिन्ह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी आइकन अवार्ड इन दिसंबर ट्वेंटी हमारे पास पांच ऑप्शन प्रगति मिश्रा बड़ी परेशान रहती हैं काफी पढ़ने मेडल पर हैं है मेधावी छात्रा है कॉन्शियस रहती हैं हमेशा परेशान रहती हैं दोनों का नाम भी लाइट यहाँ

डॉक्टर ईडाडर ईडा एसडर ओरेशन पुरस्कार किसे मिला ये आपसे पूछा गया पांच ऑप्शन हमारे पास है सरो बाई मिस्टेक गया कसम से हम लोग पहले ऐसे करते थे। कर पहले कांड कर दिए पकड़े गए तो अरे सॉरी मिस्टेक गाई भाई मिस्टेक हो गया बाई मिस्टेक हो गया

डीबीएस बैंक किसी एक का भी आंसर नहीं आया है खाली योशो शो का आंसर सही आया है बस योशो और सब ऐसे ही खुशबू आरबीएल बोल रही है बेटा आप तो नुंजा एस बीसी बोल रही है बताओ कपिल आरबीएल बैंक बोल रहे हैं सैंतिका तीन बोल रही है तीन मतलब एस बीसी बैंक आंसर हमारा क्या है डीबीएस बैंक है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाप रे बाप क्या कंडीशन आ गई देश में फॉर्मर क्रिकेटर विदिजियस एसडीएफ मेडल जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया उस पूर्व क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ द इंडिया द्वारा प्रदर्शन एसडीएफआई मेडल मिला जिसे आंसर हमारा क्या हो गया मैं लक्ष्मण बाप रे प्रगति मिश्रा भी, भी वीडियो सेक्शन बोल रही है पद्मा डी बोल रही है मतलब रवि शास्त्री तो मुझे लक्ष्मण जी बोल रही है लक्ष्मण जी रामायण वाले इसका आंसर क्या है भैया इसका आंसर गावस्कर जी ऑप्शन नंबर सी बताओ मैंने क्लास में पढ़ाया सब और ये अभी आपका मेरे ख्याल जनरली इन्फॉर्मेशन है सर सुनील गावस्कर यार बी लक्ष्मण कब से जर्नलिस्ट बन गए बीवीएस लक्ष्मण इस समय अकेडमी के वो बन गए हैं हेड बन गए हैं राहुल द्रविड़ की जगह पे ठीक है चलिए देखिए यहाँ पे तो सुनील मिला अच्छा और क्या है अदर एसडीएफआई अवार्ड के बारे में बात करें देखो और पे तो अदर एसडीएफआई अवार्ड की बात करें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मिला है नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है मीराबाई चानू को मिला है <coughs> एसडीएफआई टीम की बात करें तो इंडियंसमैन हॉकी टीम को मिला पैराथलीट ऑफ द ईयर की बात करें सुमित अंतिल और प्रमोद भगत को मिला है इन अब नहीं को मिला है को मिला है गोल्ड कोस्ट को याद कर लो सब चीजें हैं ना चलिए आगे बढ़ते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गिव अवे रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर एक्सिलेंस ट्वेंटी तो क्या बोला गया कि रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस की बात करें तो इसमें कुछ नए अवार्ड जोड़े गए कौन कौन से पूछा गया आंसर हमारा क्या होगा खुशबू बोलिए सीए इतना टफ क्यों है सर बेटा क्योंकि जो सीरियल है बड़ा इजी है जो नागिन सीरियल आप देखती हो ना वो देखा करिए वो इजी है वो याद रहता है याद नहीं होता है ठीक है हमारा क्या होगा so, स्वास्थ च्छावनी, स्वास्थ च्छावनी, in services, है कर आगे बढ़ते है ऑल तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज कन्फर्ड सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान द नेम द नेम ऑफ दाइएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ भूटान इज ठीक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है तो उसका नाम क्या ये बताइए नहीं मैं सीरियल नहीं देखती झूठ है ये कुछ बोल आंसर दें वॉट इज राइट आंसर आंसर हमारा क्या होगा तो आंसर हमारा ये हो जाएगा नगदाक पहल घी खुरलो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर थोड़ा नाम टफ है बट आप आराम से याद कर लोगे तो देख लो यहां पे नाम देखो तो भूटान भूटान ने पीएम मोदी को जो सर्वसमान दिया है उसका नाम है नगदक पेलगी खोरलो तो ये नाम है इसका थोड़ा सा टफ है लेकिन आप याद कर लोगे ठीक है आगे बढ़ेगा इस सी डी पी सब बोल दो बेटा अभी तो ऑप्शन में ही नहीं है आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट अच्छा भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम देख लो भाई एक बार इनका नाम है लोटे शेरिंग लोटे शेरिंग नाम इनका लोटे शेरिंग लोटे शेयरिंग ये भी देखना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पे देखिये विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द गोल्डन पिकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड गोल्डन पिकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किसे मिला ये आपसे पूछा गया आंसर हमारा क्या होगा

राइट आंसर right इसका, क्या होगा? तो इसका है कुमार मंगलिकली सिलिकॉन वैली बेसर इंडस्यो है बेटा ये कैलिफोर्निया की संस्था है तो इसने गोल्डन ऑन्टरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है कुमार मंगलम बिड़ला जी को ठीक है आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट हु अबंग द फॉलोइंगज वन द बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर ए 21 पैराल स्पोर्ट्स अवार्ड दो हजार इक्कीस के पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण अवार्ड किसे मिला आपसे पूछा गया आंसर हमारा क्या होगा राहुल साहब तो इस क्वेश्चन पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अब नहीं लिखा रहा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर राहुल साहब थके हो गए बेटा रुक जाओ रुक जाओ थके हो गए ना तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें देखिए यहाँ पे हु हैज बीन एडजस्ट एज द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला ये आपसे पूछा गया आंसर हमारा क्या होगा वॉट इज द राइट आंसर और इस क्वेश्चन पे हमारा आंसर क्या होगा और आंसर आंसर हमारा होगा एमा एमा रेडुकानो रेडुकानो ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर डी डी टेनिस प्लेयर इज द राइट ठीक है देखिए तो यहां पे हमने अदर अवार्ड भी दिए हैं बीबीसी के पूरे आपके सामने हैं इसमें कौन सा अवार्ड इंपॉर्टेंट है एक तो टीम ऑफ द ईयर देख लीजिएगा ठीक और एक आप देख लीजिएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंपॉर्टेंट है इसमें आपका ठीक और बताता हूँ आपको और इसमें एक देखना हाँ तो ये, ये यूनिवर्सिटी है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड ट्वेंटी हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड की बात करें किस यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है एंसर हमारा क्या होगा

इंदिरा इंदिरा गांधी दिल्ली अच्छा और देख लेते हैं और अमित कुमार बोल रहे हैं नेताजी सुभाष बोस अच्छा मैं चौक से डेली वाला बोल रहे हैं डेली वाला देखो इतने ये देहाती है डेली वाला ये है हमारा इंदिरा गांधी सर प्लीज क्या प्रियंका जी बताइए क्या बताइए कैंपी घोड़ा कौन बोला तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जीएम हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीएम हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑप्शन नंबर हो गया खत्म टाटा बाय बाय तो आर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाला. ये वाला वाली कम क्या करते हैं आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे has won the UN Women's Award for Leadership Commitment at the 21 Regional Asia Pacific Women's Empowerment प्रिंसिपल Award Ceremony? तो क्षेत्रीय एशिया प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार समारोह में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला ठीक है यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट ये किसे मिला यह आपसे पूछा गया वॉट इज द राइट आंसर तो ये, ये इसका आंसर क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर है। लकी लव चौधरी बोल रहे तो आइए ऑप्शन नंबर राइट आंसर ठीक है, है।, है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रियंगा जी क्या आंसर करें क्वेश्चन तो पूछिए पहले द ट्वेंटी फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया

हाँ हाँ जूनियर सर्वेटरी बढ़िया हाँ सविता जी बिल्कुल मेरी लाइव क्लास कब होती है टेन होती right लग है पेडमी पर टेन एम पे मॉर्निंग में नहीं पता कैसा तुम्हारा लकी लव लग है यार चौधरी साहब यहाँ तुम अंशुल पांडे से पूछो बहुत अनलकी है लवले में चलो अच्छी बात है आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पद्म अनिल प्रकाश जोशी

सविता जी हां बोल तो रहे हैं भैया आंसर हमारा क्या होगा आंसर सोशल जस्टिस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सही सही है बहुत सही सबके आंसर सही, सब सही है समय चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों वायना नेटवर्क वन ऑफ़ द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड विच बैंक हैज बीन अवारेड द मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप वायदा नेटवर्क और किस बैंक को बेस्ट बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप अवार्ड दिया गया आंसर हमारा क्या है फेडरल बैंक ऑप्शन नंबर ए तो नेटवर्क एंड फेडरल बैंक रे बाप आई सी बैंक बोल है, तो रहे हैं दो हाथ और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जर्नलिस्ट ऑफ दवारी ट्वेंटी बाई द मुंबई प्रेस क्लब मुंबई प्रेस क्लब द्वारा मरुधपंत 2020 के लिए वर्ष के पत्रकार के रूप में किसे सम्मानित किया गया ये गए थे अफगानिस्तान शूटिंग करने के लिए वहां पे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी आंसर हमारा क्या होगा और इस क्वेश्चन में आंसर हमारा क्या हो जाएगा आंसर इज द दा दानिश की ऑप्शन नंबर बी दानिश सिद्दीकी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आ, नाम है विरल देसाई के नाम से मशहूर मिस्टर विरल देसाई को प्रतिष्ठित ग्लोबल इन्वायमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सडियजन का अवार्ड मिला यह अवार्ड सेरेमनी कहाँ पर थी आपसे पूछा आंसर हमारा क्या हुआ एंड आंसर इज दुबई ऑप्शन नंबर बीस द राइट आंसर दुबई में हुआ था ठीक है विच बैंक वन द कोवेटेड सी आई आई अवार्ड फॉर द मोस्ट इनोवेटिव बैंक प्रैक्टिस किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस के लिए प्रतिष्ठित सी पुरस्कार जीता आंसर हमारा क्या है और आंसर हमारा क्या हो जाएगा एचडीएफसी बैंक ऑप्शन नंबर ए तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु won the sushila devi award for the best book of fiction by a woman author एक महिला लेखक के द्वारा उपन्यास की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार किसे मिला है? या फिर पूछा गया आंसर हमारा था

ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड फॉर ट्वेंटी वन किस संस्था को किस कॉलेज को नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया आंसर हमारा क्या होगा तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका मतलब है केरला वेटरनरी एंड द एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी इसको मिला है नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड ट्वेंटी वन का ठीक है आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेम द पर्सन द रामनाथ रामनाथ का अवार्ड इन द फोटो जर्नलिज्म ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन नंबर बी जिशान रतीफ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों

अनुराधा शर्मा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हुई हिंदी लैंग्वेज इन द हिंदी लैंग्वेज दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंसर इज दया प्रकाश सिन्हा ऑप्शन नंबर सी तो इस बार आपके टोटल ट्वेंटी भाषाओं में साहित्य अवार्ड दिया गया है। चार भाषाओं तो में में आपको। आपको की, की आनी बाकी है ठीक है ये है लिस्ट ऑफ ऑफ साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार युवा से एग्जाम में क्वेश्चन कम आते हैं थोड़े तो आप चाहें तो देखें सभी ठीक है आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट है बेस्ट स्टेट अवार्ड इन दर्ड नेशनल और इस क्वेश्चन पे हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर यूपी तो यूपी को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन Which film वन द गोल्डन ग्लोब ट्वेंटी टू बेस्ट फिल्म इन द मोशन पिक्चर कैटेगरी मोशन Pictures श्रेणी में किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोबी टू के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता आंसर हमारा क्या होगा पांच ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास और इस क्वेश्चन पे हमारा आंसर होगा पावर ऑफ डॉग ऑप्शन नंबर ऑफ डॉग ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन the भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड ट्वेंटी टू आंसर हर्षाली ऑप्शन नंबर मल्होत्री हर्षाली मल्होत्रा ये जो ये वो बनी थी आपकी बजंगी बहाजन मुन्नी बनी थी वही है नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैंक हैज बीन एड्रेस एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड बाय द प्रोफेशनल्स वेल्थ मैनेजमेंट तो किस बैंक को बेस्ट प्राइवेट बैंक का खिताब मिला है यह आपसे पूछा गया एंड आंसर इज बैंक ऑप्शन नंबर ए तो बैंक ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है आगे बढ़ते दे नेक्स्ट पॉइंट नेम द इंडियन पार्टिसिपेंट हु हैज बीन फैसिलिटेटेड विद द बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड एट द मिस वर्ल्ड ट्वेंटी टू पेगेंट तो उस भारतीय प्रतिभागी नाम बताइए जिन्हें मिस वर्ल्ड ट्वेंटी टू में uh, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार मिला ना था नाम क्या इनका दोस्तों आंसर हमारा होगा नवदीप कौर ऑप्शन नंबर ए नवदीप कौर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड एट द नेशनल स्टार्टअप ट्वेंटी और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तो स्टेट वाइज कर्नाटका बैक द हाईएस्ट नंबर छियालीस अवार्ड मिले कर्नाटका को ठीक है विनर ऑफ दर्ल्ड ट्वेंटी टू ब्यूटी pageant? तो किसने जीता फाइनली तो ये अवार्ड ये अवार्ड जीता है किसने इनका नाम है शाइलीन फोर्ड ये मिस अमेरिका है इन्होंने अवार्ड जीता दोस्तों नेम द विनर ऑफ द जेनेसिस प्राइज ट्वेंटी टू जेनेसिस प्राइज ट्वेंटी क्या पूछा इज एलबर्ट बोरे ऑप्शन नंबर है एलबर्ट बोर्ला ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। जेनेसिस प्राइज हमेशा मिलता है किसी न किसी यहूदियों को और ये कौन है बिटाइए एक्टर है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग व डी सी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल और ये अवार्ड मिला uh, सुमिता शेख को मिला है आर्या uh, जो सीरिया है ऑप्शन नंबर

तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा आंसर इज द भी ऑप्शन नंबर बी शिंजो भी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर व्हिच इंडियन फिल्म हैज won द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहब दादा ढाका इंटरनेशनल फेस्टिवल ठीक है तो ढाका इंटरनेशनल फेस्टिवल ने किसको मिला बेस्ट फिल्म ठीक है आंसर क्या होगा आंसर इज द पुजंगल ऑप्शन नंबर बी पुजंगल ये ऑस्कर नॉमिनेट तमिल मूवी है पुजंगल नेक्स्ट वाइंड

22. कितने लोग को ये अच्छा क्वेश्चन है कितने लोगों को पद जब उसका दिया गया पूछा गया तो इस बार टोटल मिला ठीक है एक सौ अट्ठाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी गेंट्री अवार्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ग्रंट्री की बात करें तो आंसर मैं थ्री एट फोर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर थ्री एट फोर चलिए थैंक यू सो मच गाइस ख्याल के इतना मिलते हैं आपसे रात में टेन टेन पे फॉर द दी एमसीक्यूज ऑन द दी स्पेशल थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिएगा ठीक है थैंक यू